स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। बीजापुर में एक शाम बीजापुर के नाम। बीजापुर शहर के कनगल हनुमंत रंग मंदिर में इसी महीने की 30 तारीख को फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से एक शाम बीजापुर के नाम सिंगिंग कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स ग्रुप के सभी मेंबर्स रहे शामिल। तमाम लोगों को ये खुशखबरी देते हुए मुझे बहुत सरत हो रही है कि बहुत दिनों के बाद और पहली बार शहर बीजापुर में जो है एक शाम बीजापुर के नाम एक म्यूजिकल प्रोग्राम होने जा रहा है। इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ था क्योंकि बाहर से एक या दो सिंगर आते थे, लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम 18 सिंगर जो है 18 में से 15 सिंगर जो बाहर से आ रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। यहाँ पे आपको हिंदी, कन्नड़ और मराठी गानों के साथ साथ क्लासिकल डांस का भी मजा मिलेगा क्योंकि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में सब लोग परेशान हैं। उस परेशानी को, उस स्ट्रेस को थोड़ा दूर करने की गर्ज से प्रोग्राम रखा गया। उसके साथ ही साथ हमारे बीजापुर में भी जो है बहुत सारे कलाकार हैं, उन्हें जो है कोई चांस, कोई मौका नहीं मिलता। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के तमाम जिम्मेदार जहाँ पे जो बैठे हैं, इन्होंने बेड़ा उठाया है कि आने वाले दिनों में जो है हम लोग जो है इसी प्लेटफॉर्म के जरिए जो यहाँ पे लोकल कलाकार जो हैं उनको आने वाले दिनों में मौका देंगे। हो सकता है कि उनमें उन्हीं में से कोई जाके प्लेबैक सिंगर बने और मेरे बीजापुर का नाम रोशन करे। इसी घर से ये जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाया गया, यहाँ पे कोई बड़ा ना कोई छोटा है, सब एक साथ है। हम सब मिलके जो है प्रोग्राम करते हैं, आज करने का निर्णय लिए हैं। तमाम हमारे चेयरमैन और तमाम लोग जो है इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के इस खैर का इसमें काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन गुजारिश करता हूँ। उसके साथ और एक आपको बात बताना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे बीजापुर के जो है बहुत सारे नेता, हर पार्टी के नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, तमाम लोगों ने इसको इस प्रोग्राम को करने में हमारा साथ साथ दिया है, हाथ बटाया है। मैं उनका इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों से इतना मैं आपको जरूर करूँगा कि आप 5:30 बजे लेके 10-10:30 बजे तक आप अलग ही दुनिया में जाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोग्राम होगा, इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। इससे पहले जितने भी आते हैं वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अब पूरे 4-5 घंटे आप रिलैक्स होकर जाएंगे, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम उनको पर्सनल जो जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं उनको सुन चुके हैं। आप लोगों से मैं निवेदन है, गुजारिश करता हूं कि आप आए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और अपने जो टेंशन है उसको थोड़ा से दूर करें, ऐसे मैं आपसे एक अपील करते हुए। और हमारे इस मौके पर हमारे तमाम जो जिम्मेदार यहाँ पे हैं वो काम कर रहे हैं, मैं हमारे चेयरमैन की तरफ से और मेरी तरफ से आप तमाम को धन्यवाद देते हुए, आप तमाम जो है मीडिया वालों को भी जो धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। हाँ, ये जो कार्यक्रम जो होगा शहर के स्टेशन रास्ते पर जो है कर्ण श्री हनुमंत राय रंग मंदिर में 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। शनिचर का दिन है 30 नवंबर 2024। जैसे कि आपने बताया कि इस प्रोग्राम में युवाओं को भी चांस दिया जाएगा, अगर कोई बीजापुर का कोई नया है वो गाना गाना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्या करना होगा? बिल्कुल, हम उसको चांस देंगे, ये जो हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है, हमारे चेयरमैन इला सिद्दीकी साहब हो, इरफान सौदागर साहब, अख्तर मुतुली साहब हो, अख्तरकर साहब हो, चाहे हमारे कबाड़ सर हो, खलीफा साहब हो, हमारी जो और हमारे सादी जानवर साहब और भी हमारी टीम अबू बकर अंबर खान, तम लोगों ने मिलकर जो है सब लोगों ने मिलकर जो मीटिंग बनाई करके ये हमने निर्णय लिया है कि बीजापुर शहर से चाहे वो सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे क्लासिकल डांसर हो या और भी कोई कलाकार हो, हम तो समाज में जो काम करते हैं, समाजमुखी जो काम करते हैं, उनको तो हम सम्मान करना, उनको तो हम इज्जत अफजाई करना है, हमारा फर्ज हमको करते आए। उसके साथ ही साथ इस फील्ड में, कल्चरल फील्ड में भी जो है हम उनका साथ देंगे, उनको आगे लाने की कोशिश बिल्कुल करें, जितना हमसे हो सके हम उनको जरूर आगे लाएंगे। नहीं सर, किसी के कॉन्टैक्ट किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारे जो हैं यहाँ पर हमारे इलासत में सिद्दीकी साहब हैं, नंबर हमारे नंबर आपको बताएं, हम आपको आप ले सकते हैं हमारा नंबर, बिल्कुल आप वहाँ पे बुलाइए उनको, लेकिन बिफोर 2 घंटे पहले उनको आने के लिए कहिए। इंशाल्लाह हो सकता है कोई अच्छा सिंगर है तो हम बिल्कुल उनको चांस देंगे नए सिंगर्स को, क्योंकि क्या होता है हम जो ये जो प्लेटफॉर्म जो बनाए उसकी वजह, उसकी मेन हमारा इंटेंशन यही है कि हमारे बीजापुर के जो लोकल कलाकार हैं वो उभर कर बाहर आए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से आप सब लोगों का जो है मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, और फिर बाद में जो है ये जो 30 तारीख के शाम में जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसके अंदर जो है
बीजापुर के साथ साथ दिगर शहरों से भी जो है, जैसे कि हैदराबाद से किशोर कुमार ऑफ साउथ इंडिया एहसान शान साहब आ रहे हैं, फिर बाद में जो है एस बी बाल सुब्रमण्यम जूनियर, फिर बाद में जो है हैदराबाद से मजहर खान साहब आ रहे हैं, फिर बाद में जो है रहीम बेग साहब आ रहे हैं, फिर उसके अलावा जो है क्लासिकल डांसर्स भी आ रहे हैं, तो फिर बाद में जो है उसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल सिंगर्स में जो है अनिता अय्यर है, फिर बाद में अमर पाली मैडम है, फिर बाद में उसके साथ साथ और भी जो है उसके साथ हमारे लोकल भी जो है, जिस तरह आपने बताया कि हम लोकल वालों को भी जो है इसमें जो है यहाँ पर भी जो है बहुत से कलाकार हैं, बस उस कला को जो है एक उजागर करने का एक मंच चाहिए। ये मंच जो है बहुत से बीजापुर के नेताओं ने, फिर बाद में जो है लैंड डेवलपर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, जितने भी जो इस हमको जो सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग से जो है इस मंच पर जो है उनको भी जो है एक मौका दिया जाएगा, ताकि उनके अंदर भी जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो जग जाहिर हो। इस कला को जो है ऐसे कार्यक्रम होने से जो है कला को जिंदा रखने की कोशिश है। हम चाहते हैं कि सिटी के अंदर जो है, इस ऐतिहासिक शहर बीजापुर के अंदर जो है ऐसे कार्यक्रम होने से जो है एक पूरा हफ्ता जो है आदमी जो है काम धाम करने के बाद जो है एक उसका एक वीकेंड होता है, वो वीकेंड जो है अच्छे से गुजरे और उसके साथ साथ जो है कलाकारों की कला भी जो है जिंदा रहे, बस एक छोटी सी वही कोशिश है। कार्यक्रम कहाँ पर होगा? ये जिस तरह के मेरे भाई ने बताया कि जिस तरह कनगल हनुमंत राय रंग मंदिर है, शाम में 5:30 से लेकर 10:30 तक जो है ये प्रोग्राम चलेगा। सिंगर्स जो है हैदराबाद के किशोर कुमार ऑफ साउथ इंडिया एहसान शान साहब आ रहे हैं, फिर बाद में सिबल सुब्रमण्यम साहब जूनियर वो भी हैदराबाद से हैं, फिर बाद में जो है रहीम खान साहब है वो भी वहाँ से आ रहे हैं, फिर बाद में अनिता अय्यर नाम के एक बहुत अच्छी सिंगर है, और उसके बाद साथ अमरपाली मैडम है, फिर बाद में अल्फिया नाम की एक सिंगर है, फिर हमारी एक लोकल जो है गायिका है गंगा बोल के, तो इंशाल्लाह उसके अंदर वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। हम उसके साथ साथ और भी हमारे लोकल सिंगर्स हैं, तो बुराने अन्नीगिरी ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हाँ तो जितने भी जो ये सब लोग हैं इन सब को उसमें जो है मौका दिया जाएगा, ताकि वो लोग जो है अपने अपने हुनर को जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शित करें। कार्यक्रम का नाम क्या है? जिस तरह से मेरे भाई ने बताया, एक शाम बीजापुर के नाम, इब्राहिम अदील शाह के नाम। सर, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, करने का मेन उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस लिए किया है? उद्देश्य ऐसे रसमंजरी कार्यक्रम, ऐसे जो ये म्यूजिकल नाइट्स वगैरह, ये जो जितने भी जो हैं लोग जो है आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो है आराम चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं और संगीत से जुड़ना चाहते हैं, संगीत को सुनना चाहते हैं, संगीत को देखना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रम करने से लोगों में एक तो जो है इसके अंदर जो है हर धर्म जात पात के लोगों को मिलने मिलाने का एक मौका, एक प्लेटफॉर्म भी होगा, उसके साथ साथ जो है कलाकारों की कला आपस में जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जो है एक्सचेंज होगी, दूर दूर तक पहुँचेगी। हो सकता है हमारे यहाँ के जो लोकल जो कलाकार हैं इसमें से कुछ निकल के जो है कहीं और निकल जाए तो उनका भी फायदा होगा, उनका भी जो है बीजापुर का भी नाम होगा, फिर बाद में उनकी भी जो है एक लाइफ सेटल हो जाएगी। पहले जो है बहुत से लोग जो है कार्यक्रम हर बार हमारे बहुत से यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा जो चलाने वाले हमारे भाई बंधु हैं वो एक शाम मोहम्मद रफी के नाम के, फिर बाद में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो जिसके नाम से कर रहे हैं उसके नाम से बहुत से लोगों ने किया है। हम ये जो है बीजापुर के आवाम के नाम करके छोड़े एक शाम। अंदाजा लगभग कितने लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है इस प्रोग्राम? लगभग हमारे यहाँ जो जिस हिसाब से जो आर्टिस्ट और सिंगर्स या जितने भी जो कलाकार आ रहे हैं या जो बैनर्स की जो पब्लिसिटी और आपके माध्यम से जो ये न्यूज पहुँचेगी, तो हमारी जो है क्या उम्मीद जो है 1.5 से 2 हज़ार लोग आने की उम्मीद है। नहीं, ये जो है बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग किया है, तो ये जो है बिल्कुल मुफ्त है।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.